हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो है अपनी IFB मशीन की DSL पाउडर से सफाई करने वाली हूँ, क्योंकि 2.5 से 3 महीना हो गया है। मैंने 2.5 3 महीने तक की अपनी मशीन की सफाई नहीं करी थी, तो आज मैं सफाई करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में भी बताना कि आपको वीडियो समझ में आई या फिर कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मशीन DSL करने का, सफाई करने का तरीका बताती हूँ। काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, कोई भी सीख जाएगा। अगर एक बार आपको तरीका मालूम पड़ गया तो फिर जो है बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चा भी कर सकता है इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी मशीन के पास, और इसमें जो है इसे निकाल लेती हूँ मैं ट्रे को। और मैं जो है इसमें आधा पैकेट इसमें डाल दूँगी, ये फ्रेंड बिल्कुल जैसे नमक रहता है ना मोटे वाला, वैसे ही है। तो आधा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है, वैसे तो पूरा भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आधा जो है मैं ड्रम में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आधा ड्रम में डाल दिया है। और इसे बंद कर देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, इसे मैं कर देती हूँ ऑन। और ये जो है हमें आप देख सकते हैं रिंस प्लस स्पिन, और ये टब क्लीन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे रिंस एंड स्पिन का जो है 1000 RPM बता रहे हैं, 32 मिनट बता रहे हैं। तो ये सब सेलेक्ट करने के बाद जो ये टेम्परेचर बटन है, आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये टेम्परेचर का है, ये स्पिन का है, ये स्टीम का है, ये जो है। तो टेम्परेचर बटन को हमें दबा के रखना है इसके DSL के लिए टेम्परेचर बटन को कम से कम 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। दबा दिया, ये टब क्लीन लिख के आ गया, आप देख सकते हैं टब क्लीन। अब जो है स्टार्ट बटन को दबा देंगे, तो इसमें 1 घंटा 36 मिनट लिख के आ रहा है फ्रेंड्स, टब क्लीन का ये सिंबल दिख रहा है आपको, 1 घंटा 36 मिनट, और ये टब क्लीन लिख के आ रहा है। तो ये प्रोसीजर हो गया है चालू, जो पानी था उसने पहले से निकाल दिया है, और अब जो है इसमें पानी लेना चालू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ गया होगा कि पहले जो है हमें जो इसमें डालना है टब क्लीन का पाउडर, उसके बाद जो है यहाँ से हम करेंगे बटन को ऑन, और फिर सेलेक्ट करेंगे रिंस एंड स्पिन पे। ये देख सकते हैं, ये मेरा सेलेक्ट है, ऑरेंज कलर की बत्ती जल रही है लाइट, और यहाँ पे लिखा है टब क्लीन। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये टेम्परेचर वाले बटन को 1 या 2 सेकेंड 2 या 3 सेकेंड के लिए दबा के रखना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टब क्लीन लिख के आ जाएगा, और ये टाइमिंग भी बता देगा, और उसके बाद जो है इसे स्टार्ट कर देना है, उसके बाद छोड़ देना है, ऑटोमेटिक खुद ही सब साफ़ करके मशीन जो है यहाँ पे, मतलब टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है 40 से 60 डिग्री तक के, तो इसको सफाई की के लिए गर्म पानी की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से ये अपना टाइम खुद ही सेट कर लेता है। अब आपको छोड़ दें फ्रेंड्स, मैंने ट्रे और ड्रम दोनों में भी पाउडर डाली हूँ, आप ट्रे में भी डालेंगे तो भी मशीन काम पाउडर काम जो है मशीन का अच्छा कर देगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो मैंने पाउडर डाला था मशीन में, वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है और पानी भर रहा है इसमें, देख सकते हैं आप ध्यान से। मशीन चालू हो गया है,
सकते हैं फ्रेंड्स कितना सारा पानी इसमें भरा हुआ है। और यहाँ पे मैंने जो है पानी भर रहा है इसमें टब में, तो अब ये जो है फ्रेंड्स खुद ही 1 घंटा 36 मिनट के बाद, मतलब मशीन के टाइमिंग के हिसाब से वैसे तो आई थिंक 2 घंटा तो लग ही जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्रोसेसर खुद ब खुद करता है, ऐसे कोई बात नहीं, बीच बीच में मैं आपको दिखाते रहूँगी, अपने को कुछ करने की ज़रूरत अब है ही नहीं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ का पाउडर पूरा जो है अंदर चले गया है। फ्रेंड्स ये जो है गर्म भी हो रहा है पानी, मैं टच कर रही हूँ तो हल्का गर्म पानी है, ये कांच जो है इसका डोर जो है गर्म हो गया है और घूम भी रहा है, पानी भी गर्म हो रहा है। ये सफाई का काम जो है इसका चालू है, तो आप और भी आगे देखेंगे, मैं आपको और दिखाऊंगी बीच बीच में। सकते हैं फ्रेंड्स कितना सारा पानी इसमें भरा हुआ है। और तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर हो गया है टब और चमक भी रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रोसीजर और बाकी है क्योंकि मतलब 1 घंटे से ये घूम रही है मशीन, अभी थोड़ा टाइम और बाकी है, तो 1/2 घंटे के बाद में ये पूरा टब जो है हमारा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अभी देख सकते हैं कितना मतलब ड्रम चमक रहा है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।